सेगांव में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ महाअभियान को लेकर मंडल की भव्य वाहन रैली निकाली गई, जिसमें नगर के बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल हुए। बताया जा रहा है कि यात्रा मातेश्वरी जिनिंग परिसर सेगांव से प्रारंभ होकर बिकारखेड़ी, दोमवाड़ा, खोलगांव, बड़ाखेगांव, रसगांव, गाटलाखेड़ी पहुंची। रैली में राम भक्त हाथों में पताका थामे हुए जय सियाराम का जयकारा लगाया। रैली का समापन हनुमान मंदिर में हुआ। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। रैली निकल रही है किस काम के लिए, रैली निकल रही है किस कार्य के लिए? 5 अगस्त 2020 को हिंदुओं के माथे पर जो कलंक लगा था, उस कलंक को 6 दिसंबर 1992 में लाखों राम भक्तों ने नष्ट कर दिया और वहाँ पर राम जी का मंदिर, टेंट में राम जी को मंदिर में स्थापित किया था। बड़े हर्ष का विषय है कि 5 अगस्त को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा उस भव्य मंदिर की आधारशिला रखी गई। घर घर, प्रत्येक हिंदू गांव में, प्रत्येक परिवार में हिंदूमय राममय माहौल बनाने के लिए भव्य वाहन रैली निकाली जा रही है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, जिसमें 70 एकड़ में भव्य मंदिर और अन्य निर्माण होने वाले हैं, उसी निर्माण के जन जागरण के लिए ये वाहन रैली निकाली जा रही है। इस रैली के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि पूरा हिंदू समाज एक है। जिस प्रकार भगवान श्री राम ने पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करके सभी प्राणियों में समरसता स्थापित की, उसी प्रकार प्रत्येक हिंदू एक रहे और आपस में किसी प्रकार का भेदभाव ना करे और राम जी के संदेश को हम घर घर तक पहुँचाने जा रहे हैं। क्या शुभ नाम लिखते हो? यशवंत पाटीदार, खंडे कारवा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।